नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चुनाव चरम सीमा पर है व बालोद जिला छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर अपनी लौह अयस्क खनिज संपदा व प्राकृतिक वादियों द्वारा अलग स्थान रखता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिले में चुनाव की जो खुमार छाई है, जिसमें संजारी बालोद से मीना सत्येंद्र साहू जो संजारी बालोद के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बतौर चुनाव लड़ रही हैं, पर आज वो विधानसभा में लोगों को गुमराह कर अपनी लोकप्रियता का ढोंग रच रही हैं और उस विधानसभा में उनके क्षेत्र में उनके परिवार का विवादों के साथ चोली दामन का रिश्ता रहा है। वो जिस कांग्रेस पार्टी से बगावत कर वो सर्व समाज की प्रत्याशी का ढोंग रच रही हैं, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कांग्रेस का सच्चा सिपाही माना व उनके परिवार के प्रति विश्वास जताया और दो बार जिला पंचायत सदस्य बनाया और सभापति बनाकर मान बढ़ाया, क्योंकि उन्हें दो पंचवर्षीय सरपंच रहने के अनुभव के कारण कांग्रेस पार्टी ने आभार भी माना। पर यही निर्दलीय मीना सत्येंद्र साहू, जो हमेशा कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताकर स्थानीय विधायक के खिलाफ काम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, चावल घोटाला से लेकर शराब सप्लाई में यही कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के कारण मामला दबाया गया, पर इस बात का भी मलाल नहीं, वहीं कांग्रेस पार्टी को लात मारकर बगावत कर अपनी लोकप्रियता का झूठा अफवाह फैलाकर सर्व समाज का प्रत्याशी भी षड्यंत्र तरीके से रचनात्मक रूप से क्षेत्रीय साहू समाज के मुखिया लोगों के साथ ये गुमराह करने वाली प्रक्रिया को रचा और इसी परिवार से इनके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने का जिम्मा उठाया था, उसे हार का सामना करना पड़ा था, वही प्रक्रिया को और अपनाना चाहते हैं और आज वो खुद को सर्व समाज का प्रत्याशी बता रहे हैं। पर भारत टाइम्स की टीम पूरे इस संजारी बालोद विधानसभा में क्षेत्रवासियों से व समाज के अन्य प्रमुख लोगों से मिलकर जब ये नज़ारा का पता चला तो इनके षड्यंत्र की पोल खुली। ना ही मीना सत्येंद्र साहू की लोकप्रियता है, ना ही लोकप्रियता है, ना क्षेत्र में कोई पूछ परख जो इस तरह लोगों को गुमराह कर रही है। मीना सत्येंद्र साहू जो खुद को सर्व समाज का प्रत्याशी बता रही है, लेकिन वो स्वघोषित प्रत्याशी हैं। साहू समाज का वो संजारी बालोद के विधानसभा में उनके ही क्षेत्र में कुछ दूरी पर साहू समाज के कुछ व्यक्तियों से राय लेकर पूछताछ व वार्तालाप की, जिससे पता चला है कि कैसे सर्व समाज के नाम से गुमराह किया जाता है।